बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हर फ्रेंड्स, मैं नरोत्तम लुडीर, आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात का ऊना कांड आप लोगों को याद होगा। आपको बता दें कि मरे हुए जानवर की खाल निकालने का आरोप लगाकर उन चार लोगों को पूरी तरीके से पीटा गया था। आपको बता दें कि वो घटना आज भी जहन के अंदर जब आती है तो एक चीज सामने आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट। आपको बता दें कि उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे दलित भाई बहनों को मत मारो, इसके बदले में आप चाहे तो मुझे मार सकते हैं। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ये दिया बयान शायद ना तो देश की जनता के किस तरीके से समझ में आया या जातिवादी जो गुंडे हैं वो किस तरीके से लेते हैं ये कोई नहीं समझ पाया। लेकिन आपको बता दें कि राजस्थान के नागौर जिले में जो घटना सामने आई उसको देखकर एक बार ये साफ हो जाता है कि आखिर एक सवाल जो खड़ा होता है वो ये कि दलित आखिर कब तक पिटते रहेंगे। आपको बता दें कि बाबा साहब अम्बेडकर को इस चीजों का बहुत ज्यादा अच्छे से पता था कि बहुजन समाज जो है उसमें से खास तौर से दलित ऐसी जो तबका है उस पर अत्याचार के जुल्म ज्यादतियों की जो है वो संख्या बहुत ज्यादा है। अत्याचार के मामले में सबसे ज्यादा अगर कोई अत्याचार सहता है तो वो दलित समाज सहता है। ऐसी समाज जो कम्युनिटी होती है उस पर सबसे ज्यादा एट्रोसिटी के केस दर्ज होते हैं, वो उनके ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है। उनको हर जो कौम होती है चाहे वो कोई भी कौम क्यों ना, यहाँ तक कि एसटी के लोग भी एससी को दबाने की कोशिश करते हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर अच्छी तरीके से जानते थे। इसलिए उन्होंने इन चुनौतियों को देने के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक साथ ही धार्मिक इन तमाम चीजों को उन्होंने बाकायदा लोगों को एक स्वतंत्र विकल्प उपलब्ध करवाया था और तमाम चीजें दी थी कि जिससे ये एक मार्ग उन्होंने बताया था कि इन चीजों से करके आप जो है अत्याचार की जो घटनाएं होती है उनसे बाहर निकल सकते हैं, आप अत्याचारों को रोक सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि एक चीज मुझे यहां तक समझ में आती है, हम बाबा साहब अम्बेडकर को तो मानते हैं लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की नहीं मानते। यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, उनकी मूर्ति को मानते हैं, उनकी फोटो को मानते हैं, लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे उनको हम बिल्कुल भी नहीं मानते। शायद यही वो वजह है कि जिसके कारण ऊना का कांड देखने को मिलता है, नागौर का कांड देखने को मिलता है। आपको बता दें कि इस घटना ने एक मानवीय जो मूल्य होते हैं जिसमें मानवाधिकार जिसे कहा जाता है, उन तमाम मूल्य जितने कुछ होते हैं उन तमाम चीजों को धराशायी कर दिया। आपको बता दें कि इंसानियत से लेकर वो तमाम चीजें पूरी तरीके से कूर धजर आई। अब जिस घटना के अंदर जो शरीक 7-8 लोग थे उनमें ना केवल बुजुर्ग, ना केवल जवान, ना केवल बच्चे, यानी हर उम्र का व्यक्ति मौजूद था और उन तमाम लोगों ने मिलकर इस जनन्य अपराध को अंजाम दिया सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ताकि उनका जो होप है वो लोगों के अंदर बना रहे। आपको बता दें कि जिस लोगों ने ये वीडियो बनाया, खुद उन्होंने इस वीडियो को शूट किया है और शूट करने के बाद आपको बता दें कि सोशल साइट पर उसे वायरल भी किया है सिर्फ अपनी धूंस दिखाने के लिए। इस वीडियो के अंदर उन आतंकवादियों की हंसी साफ तरीके से दिखाई पड़ रही है, उनकी ठाके साफ तरीके से सुनाई पड़ रहे हैं कि वो आखिर आपकी गुलामी पर, आपकी मजबूरी पर, आपकी जो लाचारी बेबसी है उस पर किस तरीके से हंसते हैं। आपको बता दें 3 दिन ये डर इतना खतरनाक था कि 3 दिन होने के बाद भी जो पीड़ित परिवार था उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाए। उल्टे आपको बता दें कि आरोपियों ने पीड़ित परिवार से 5100 रुपए दंड स्वरूप भी वसूल लिए थे। ये तो वीडियो सोशल साइट पर काफी ज्यादा वायरल हो गया और उसके बाद आपको बता दें कि इन आरोपियों को संज्ञान में लिया गया, गिरफ्तार किया गया और पूरे देश भर के अंदर ये मुद्दा बन गया और पीड़ित परिवार को शायद कुछ हद तक राहत मिल सकती है, इंसाफ मिल सकती है। अगर नागौर ही नहीं बल्कि मारवाड़ इलाके ही नहीं बल्कि पूरे देश भर की अगर मैं घटना बताऊं तो बहुत ही ऐसे क्रूर मामले होते हैं जहां पर जो SC ST पर अत्याचार होते हैं लेकिन उन मामलों को ना तो पुलिस दर्ज कर पाती है और ना ही पुलिस तक वो मामले पहुंच पाते हैं। मिलेंगे इस नए वीडियो नए अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन आपको बता दें कि अंबेडकर को मत मानिए, अंबेडकर की मानिए। आपको बता दें कि जो बातें बाबा साहब कहते थे उनको मानिए, ना कि बाबा साहब को मानिए।